In this video, I'll complete worksheet 3. Question 10 and 11 are of same pattern. तो हम question 11 दिखा रहे हैं, 10 खुद से करना. जैसे 9th question में था कि compound interest, इस question 8 में था कि amount दे दिया principal नहीं पता था. 9 में था कि compound interest दे दिया principal नहीं पता था. तो 10, 11 में है कि rate of interest नहीं पता, बाकी सारा information है. तो एट वॉट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ 64,000, सम ऑफ मतलब 64,000 प्रिंसिपल है, बी कंपाउंडेड टू दिस. देखो ये जो अमाउंट है ये 64,000 से बड़ा है ना, और जब भी ये वर्ड कंपाउंडेड टू रहेगा तो समझना होगा कि ये अमाउंट है. तो यहां पर प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, 3 ईयर्स का टाइम दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे. गिवन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 64,000, अमाउंट इक्वल्स टू 68,921 और टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 + r/100 टू द पावर n. यहाँ पर अमाउंट के बदले हम लिखेंगे 68,921, प्रिंसिपल के बदले 64,000, 1 + r/100 और n के बदले 3. ये इससे मल्टीप्लाइड है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो 68,921/64,000. पावर से क्यूब हटाने के लिए सामने में क्यूब रूट देना होगा, तो यहां पर क्यूब रूट आ जाएगा. तो यहां बन जाएगा बस 1 + r/100. अब 64,000 किसका क्यूब रूट है, 3 जीरो के बदले 1 जीरो और 64 4 का है तो 40. तो ये जरूर 41 42 42 का तो हो नहीं सकता, लास्ट में 1 है तो ये जरूर 41 का होगा, चेक करना उसी का है वो. तो ये आंसर आ गया. अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा. तो 41/40 - 1 = r/100. माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा. ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/40 = r/100, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा. 0 0 कट हो गया, दोनों नंबर 2 से कट रहा है, 5/2, तो रेट आ गया 5/2% का. सेम चीज क्वेश्चन, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में सिर्फ रिप्लेस करना है. अब जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें अमाउंट है 774.40 और सिंपल इंटरेस्ट है 640 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, यहाँ पर 2 ईयर्स है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 640 नीचे आएगा और ये डेसिमल भी हटाकर यहाँ 100 लिख दे रहे हैं, तो 2 जीरो और ऐड कर दिए. ये 1 1 जीरो तो कट गया. अब ये तो पता है 80 का हो रहा है, तो ये चेक करो कि किसका स्क्वायर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना. तो फिर लिख देंगे अगला स्टेप में इसके बदले स्क्वायर रूट और यहाँ आंसर में आ जाएगा 80. ऊपर में देखो क्या आएगा, इक्वल्स टू 1 + r/100. फिर होगा कि 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस तरह से कंप्लीट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अब क्वेश्चन 12 और 13 एक जैसा है. अब इसमें टाइम निकालना है तो हम लोग प्रिंसिपल निकालने का तरीका देखें, रेट निकालने का देखें, अब टाइम निकालने का क्वेश्चन करेंगे. तो इसमें है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 3750, इसका मतलब प्रिंसिपल है 3750 एट 20% पर एनम. तो रेट है 20% पर एनम. अमाउंट टू 6480, इसका मतलब अमाउंट दे दिया 6480 का. टाइम निकालना, तो फिर से अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, पी 1 + r/100 टू द पावर n. अमाउंट के बदले 6480,
प्रिंसिपल के बदले 3750 वन प्लस आर के बदले 20/100 और यहाँ एन। तो ये जैसा कि हम लोग देखे थे नीचे जा रहा है तो नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर ये कट के 5 और ये 1 हो गया। यहाँ 0 0 कट रहा है, दोनों नंबर 3 से कट रहा है। यहाँ काटना बहुत ज़रूरी होता है तो 3 से कट के इसका आंसर आ जा रहा है 216 और इसका आंसर आ रहा है 125। तो यहाँ हो गया 216/125। यहाँ एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो आएगा 6/5 to the power n। अब n का वैल्यू कैसे निकाले, n तो पावर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। तो ये चीज़ जैसे हम लोग एक्सपोनेंट्स में करते थे, 32 to the power 2x है तो 32 को लिखते थे 2 to the power 5 और यहाँ 2 to the power x, 5 equals to x। तो यहाँ भी बेसिस को सेम करेंगे। ये पता है कि 6 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे 6/5 का whole cube। क्यों लिखे, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। वो नंबर ऐसा ही आएगा काटने के बाद कि अपने आप वो एक फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। अब यहाँ बेसिस इक्वल है तो n equals to 3, तो देयरफॉर time equals to 3 years। तो टाइम वाला क्वेश्चन ऐसे बेसिस सेम करके होता है, रेट वाला क्वेश्चन में ऐसे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट सामने में देकर होता है और प्रिंसिपल वाला भी बताए थे कैसे करना है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे 13th हुआ वैसे 12th क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब 14 क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, एट 6.5%, 6 2/3%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/3, ये हो जाएगा 20/3%, और टाइम दे दिया 3 ईयर्स का, इज 46। तो ये जो डिफरेंस है CI-SI ये 46 है। फाइंड द प्रिंसिपल, ना SI पता है ना CI पता है, बस दोनों का डिफरेंस पता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो SI equals to P into R, R के बदले 20/3 इंटू time/100, यहाँ इंटू रहेगा, 3 3 कैंसिल, ये 5 से कट गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया P/5। तो यहाँ पर P/5 बैठ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में बताए थे कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो हम यूज कर रहे हैं CI equals to P 1 plus R/100 to the power n। ब्रैकेट का यूज फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल के बदले तो वही रहेगा, 1 plus R/100, R है 20/3, फिर और एक 100 नीचे में, n मतलब टाइम, कितना साल है, 3 साल है, ये 5 से कट हो गया, 5 into 3 15 आ गया, अब ये ऐड होकर 16/5 बन जाएगा, 16/15 sorry, 16 का क्यूब निकालेंगे तो 4096, 15 का निकालेंगे तो 3375। अब एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर आ गया 721/3375। पी अब सामने नहीं लिखकर पीछे लिख देते हैं क्योंकि वो वेरिएबल ही है। ये आंसर था कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन CI और SI का डिफरेंस कितना दे दिया, 46। तो यहाँ CI के बदले बैठाएंगे 721/3375 P माइनस
एसआई के बदले आंसर आया था पी बाई फाइव। ये एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन गया। एलसीएम लेकर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम ऑब्वियसली 3375 ही आएगा। ये डिवाइड होकर 1 तो 721 पी होगा, और ये डिवाइड होने से 675 इंटू 1 675 पी। अब ये सब्ट्रैक्ट होकर 46 पी, तो प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 46 रहेगा, ये ऊपर जाएगा और ये वाला 46 नीचे आएगा, कट गया, तो प्रिंसिपल का आंसर आ गया 3375। तो ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, पहले सीआई और एसआई अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर नाउ लिखकर पूरा ये स्टार्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से 15th क्वेश्चन भी है जो खुद से कंप्लीट करना है। डेसिमल है तो उसमें कुछ परेशान होने वाला बात नहीं है। अब देखो, अभी तक हम लोग जो भी सम्स किए सब था कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन अब 16th क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो हम लोग वो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे किए थे वर्कशीट 2 में, अगर रेट रहता था 16% तो हम लोग उसको कर देते थे 8%। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सेमी एनुअली के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट का पी 1 प्लस आर बाई, एनुअली के लिए क्या फॉर्मूला था पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, यहाँ हो जाता है आर बाई 200 और यहाँ लिखते हैं 2n। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का फॉर सेमी एनुअली, मतलब हाफ ईयरली भी हम लोग उसको बोल रहे थे। तो अब जैसे यहां पर 16th क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल दे दिया 12,800 का, टाइम दे दिया 1 ईयर और रेट है 7.5%। तो 7.5 मतलब 15/2%, 1 ईयर मतलब कितना हाफ ईयर्स होता है, एक साल में आधा आधा करके दो बार आएगा, तो 1 ईयर इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स। रेट को हम लोग यहाँ पर कम नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ही 200 हो गया 100 के बदले। तो अब हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, प्रिंसिपल के बदले तो 12,800 1 प्लस, रेट के बदले 15/2 और ये रहा 200, टाइम में पूरा 2n के बदले सिर्फ ये 2 लिखना, 2 × 2 = 4 मत कर देना, पूरा टाइम के बदले ये जो हम लोग कैलकुलेट किए ये लिखना है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर 15 के साथ ये कट हो जा रहा है नंबर, बस 5 के साथ, सॉरी 5 × 3 = 5 = 40। तो अब क्या बच रहा है, ऊपर में 3 और यहाँ 40 × 2 = 80। अब इसका ऐड करेंगे तो आएगा 83/80। फिर ये दोनों, मतलब ये हो जाएगा 12,800 इंटू 83 इंटू 83 बाई 80 इंटू 80। ये नंबर्स कट रहा है, सॉरी दिस वन विल बी 16 और ये कट के 2, तो 83 इंटू 83 इंटू 2 आंसर आ जाएगा। फिर सीआई निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो यहाँ ऑब्जर्व करने का क्या चीज़ था, पहले तो फॉर्मूला लर्न करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग रेट और टाइम दोनों कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग रेट को टाइम को कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर था तो 2 हाफ ईयर्स, 2 ईयर होता 2 ईयर्स तो हो जाता 4 हाफ ईयर्स, तो यहाँ 4 बैठ जाता, उस तरह से करना है। ये 2 अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है और रेट को क्वेश्चन में हाफ मत करना, वो फॉर्मूला में अपने आप होगा।
दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर 17th क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मिस्टर अरोड़ा बोरोड इतना फ्रॉम अ बैंक, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वो कितना अमाउंट देंगे 1.5 ईयर्स के बाद। तो 1.5 ईयर्स इसका मतलब होता है 3/2 ईयर्स, तो इसमें कितना सारा हाफ ईयर्स आया, 3 हाफ ईयर्स, 6 6 मंथ्स करके 3 बार आएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल के बदले बैठेगा 40960, फिर 1+r के बदले 25/2 और 200, यहाँ टाइम के बदले बैठेगा 3, फिर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से क्वार्टरली का फॉर्मूला होता है, क्वार्टरली मतलब बताए थे 3 मंथ्स, तो उसमें हम लोग रेट को बाई 4 कर देते थे, उस तरह से कर रहे थे। क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट का ए इक्वल्स टू पी 1+r/400, 100 के बदले 400 और यहाँ टाइम रहता है 4n। तो कैसे करेंगे, जैसे 18th क्वेश्चन है, मीरा लेंट आउट 20,000, इसका मतलब प्रिंसिपल है 20,000, टाइम है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स मतलब कितना क्वार्टर, 3-3 महीना करके क्वार्टर होता है ना, तो 3 क्वार्टर्स आएगा। एट 20% पर एनम हाफ ईयरली में एनुअली है, लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन क्वार्टरली का है, तो अमाउंट में लिखेंगे पी के बदले में 20,000, 1+r/400 है तो 20/400 और पूरा 4n के बदले टाइम कितना आया 3, 4 × 3 मत करना, फिर ये कट होगा 1/20 आया, तो ये 20,000 एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 21/20 और क्यूब, फिर 3-3 बार लिखेंगे, जितना कटेगा काट कर करेंगे अमाउंट, 2 बार इस पोर्शन को देखना समझ आ जाएगा। 19th क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट एंड सीआई ऑन 24,000, तो प्रिंसिपल है 24,000, टाइम है 6 मंथ्स, पेएबल क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 3 2 बार आ रहा है तो 2 क्वार्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं देकर स्टेटमेंट लिख दिया एट 20 पैसे अ रुपी पर एनम, तो 20 पैसे अ रुपी का मतलब होता है 20%, तो 20% पर एनम। तो अमाउंट निकालने के लिए फिर से प्रिंसिपल, फिर 1+r/400, तो 20/400 और पावर में 2 रहेगा, 4 × 2 नहीं करना है। फिर जैसे कैलकुलेशन करेंगे सीआई के लिए लास्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो कंप्लीट दिस वीडियो दिस वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।